रायबरेली जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव व पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने रायबरेली जनपद के आस्तिक मंदिर में नागपंचमी के अवसर पर लगने वाले विशाल मेले की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। जनपद के हरचंदपुर थाना क्षेत्र के गंगागंज कस्बे के पास स्थित आस्तिक मंदिर में नागपंचमी के दिन विशाल मेले का आयोजन होता है। इस मंदिर में लोगों की इतनी आस्था है कि अगर किसी व्यक्ति को सांप ने काटा है और वह समय पर मंदिर पहुंच जाता है तो उसका जीवन सुरक्षित हो जाता है। इसी आस्था और विश्वास के साथ लोग सैकड़ों किलोमीटर दूर से नागपंचमी के अवसर पर मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। का जो आगामी पर्व है उसके पूर्व यहाँ पे एक दिन पूर्व यहाँ मेला लगता है आस्तिक बाबा मंदिर के, और ये महत्वपूर्ण स्थल है जिसमें काफ़ी लोग नज़दीक के क्षेत्रों से और अन्य जनपदों से भी यहाँ पर आते हैं। तो उसको देखते हुए हमने और कप्तान साहब ने यहाँ पे निरीक्षण किया है, जो व्यवस्थाएं हैं उसको देखा है और आवश्यक निर्देश हमने संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। आस्तिक बाबा के मंदिर हमारे जनपद में है और बचपन से मैं वहाँ जाता रहा हूँ अपनी माँ के साथ, और फिर ऐसे जाता हूँ। वहाँ पिकनिक स्पॉट भी है, लेकिन वहाँ जो मैंने देखा, मैं एक विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, लेकिन जो मैंने आँखों देखा है, दो व्यक्ति मेरे सामने ऐसे आए जो जिनको सरदंश था और उनके परिवार वालों ने वही बगल की नदी सई नदी का जल लाए और आस्तिक बाबा की दुहाई है ऐसा कई बार उच्चारण किया, और कुछ देर बाद वो दोनों व्यक्ति उठकर चले गए। ये मेरी आँखों देखी। तो यहाँ पर लाखों लोग आते हैं क्या? बहुत भीड़ होती है, बहुत ही आस्था है यहाँ पर। हमारे रायबरेली में ये एक स्थान है जहाँ लोगों की बहुत ही आस्था है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।